आपकी नजर। अपने मोबाइल फोन साइलेंट कर दीजिए। फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी वर्जित है। पेश है एक अनोखा कार्यक्रम जो आपको लखनऊ के रंगों में रंग देगा। तो हाजरीन, तैयार हैं आप? आइए चलें एक हसीन सफर पर। आइए जनाब, बड़ी देर कर दिया ने, तशरीफ रखिए। किसने सोचा था कि ये शाम भी आएगी, अवध की सरजमी पर हमारी आखिरी शाम। किसने सोचा था कि एक दिन ऐसा आएगा जब लखनऊ के गली कूचों को अलविदा कहने को हम मजबूर हो जाएंगे। हम वाजिद अली शाह, जो नवाबी आन बान और शान की मिसाल है, आज अपने ही घर से रुखसत कर दिए गए हैं। खैर, जा रहे हैं तो सोचा जाते जाते हम अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी महफिल सजाएं। महफिल सजाने का हमारा शौक पुराना है तो सोचा कि कुछ ऐसा किया जाए जो भुलाए ना भूले। आइए आज चंद लम्हों के लिए वक्त के झरोखे से उस गुजरे हुए जमाने के अवध की शान और शौकत की यादें ताजा करें। आज की शाम अवध के नाम। नवाबी शान की कहानी शुरू होती है 1708 में, जब ईरान के निशापुर शहर के रहने वाले मीर मोहम्मद अमीन अपनी किस्मत का सितारा खोजते हुए दिल्ली के दरबार में आए। कुछ अरसे से हैं ये यहाँ, बहुत ही काबिल घुड़सवार। हम एक आया था। जी हुजूर। उन्हें दरबार में पेश किया जाए। जी हुजूर। हम आपको सादत खान बुरहानुल मुल्क के खिताब से नवाज कर आगरा का गवर्नर बना रहे हैं। ज़रा नवाजी के लिए शुक्रिया हुज़ूर, बंदा आपका खादिम है। हमें आपसे बहुत उम्मीदें हैं। हुज़ूर, सादत खान बुरहानुल मुल्क ने सैयद भाइयों को हरा दिया। बुरहानुल मुल्क ने आज हिंदुस्तान के बादशाह का दिल जीत लिया। उन्हें अवध की सूबेदारी से नवाजा जाए। लखनऊ में उस समय शेखजादों का बस चलता था, मगर बुरहानुल मुल्क हार मानने वालों में से न थे। उन्होंने शेखजादों को अपनी तरफ कर लिया और कुछ इस तरह वो अवध के पहले नवाब बने। कहते हैं कि उनके कहने पर नादिर शाह ने पहले काबुल और फिर दिल्ली की ओर रुख किया और उसके बाद के कत्लेआम से और नादिर शाह के बुरे बर्ताव से बुरहानुल मुल्क ने पश्चिमा होकर खुदकुशी कर ली। हुजूर, हुजूर, बुरहानुल मुल्क नहीं रहे। अल्लाह उन्हें जन्नत अता करे।
भतीजे और वारिस हैं। बहुत बेहतर जनाब, हम उनकी अधूरी आरज़ू पूरी करेंगे। अवध को उसके आला मुकाम तक हम पहुंचाएंगे। नए नवाब ने मुगल शासकों के लिए खूब जंगें लड़ी और जीती। तारीख उन्हें सफदर जंग के नाम से जानती है। वैसे शुरुआती नवाब वजीर अवध से ज्यादा दिल्ली के दरबार के मसले सुलझाने में मशगूल रहते थे। मुगल सल्तनत के लिए आपने जो कुछ भी किया उसके लिए हम आपको मेरे आदेश बना लें नवाजिश। जंग हमें समझ नहीं आती, पर जनाब सफदर जंग को बहुत रास आती थी। उनके बेटे शुजाउद्दौला ने वालिद की मौत पर दिल्ली में एक आलीशान मकबरा बनाया, जो दिल्ली की सबसे हसी ऐतिहासिक इमारतों में शुमार है। शुजाउद्दौला भी हुकूमत के दायरे को बड़ा करने के लिए जंग फतह करने में लगे रहे। किस्मत का सितारा सही मायनों में तब चमका जब नवाब असफुद्दौला ने अपनी अम्मी से लड़ाई कर फैजाबाद छोड़ दिया और लखनऊ में आ बसे। अरे हम भी रूठने मनाने के बड़े खेल खेलते हैं, पूछ लो हमारी परियों से। खैर यही उन्होंने अपना दरबार सजा दिया और लखनऊ बना अवध की नई राजधानी। असफुद्दौला बड़े हमदर्द थे। भयंकर सूखा पड़ा है, गरीब तो गरीब, अमीरों को भी दो झुमकी रोटी नसीब। एक बहुत बड़ा इमामबाड़ा बनवाओ, पूरी आवाम को इस मुकद्दस काम में जुटा दो। जी हुजूर। और हाँ, जो दिन में बनाते हो उसे रात में तोड़वा देना, कि जब तक ये सूखा खत्म नहीं हो जाता हमारी रियाया के पास रोजी का जरिया रहे। बेहतरीन ख्याल, लोग सही ही कहते हैं, जिसको ना दे मौला उसको दे असफुद्दौला। नवाब साहब को इमारतें खड़ी करने का बहुत शौक था। बनाना शुरू करते तो बनाते ही चले जाते। देखते ही देखते लखनऊ का नजारा बदल गया। फिर आए नवाब सादत अली खान। उस समय दिल्ली का दरबार बर्बादी की कगार पर था। जहां दिल्ली का सितारा डूब रहा था वहीं लखनऊ की चमक दूर दूर तक फैल रही थी। एक एक करके दिल्ली दरबार के हर फनकार ने लखनऊ की ओर रुख कर लिया। बस फिर क्या था, लखनऊ के नवाब के दरबार में कलाकारों और शायरों का जमावड़ा लग गया और लखनऊ ने अपनी तहजीब और तखरीर, नफासत और नजाकत के लिए हिंदुस्तान में एक बड़ा रुतबा हासिल कर लिया। तेरा इश्क है तादाद पूरे हिंदुस्तान के शायरों से ज्यादा है। मसनवी के